दोस्तों यहाँ पे शॉमी ने एक नया फोन लॉन्च किया है, रेडमी नोट 11 SE, और जिसके फीचर्स देखने के बाद आप भी बोलोगे जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। बाकी आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको इसके यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन से, जिसका नाम है रेडमी नोट 10S, और यहाँ पे जानेंगे कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सही रहने वाला है। दोस्तों आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं लेटेस्ट एंड मज़ेदार अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज, कंपेरिजन रिव्यूज, टेस्ट देखने के लिए, तो मेक श्योर कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पे काफी बेसिक सी मिल जाती है, प्लास्टिक का बैक मिल जाएगा, प्लास्टिक के ही आपको यहाँ पे फ्रेम देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे जो डिस्प्ले है आपको दोनों ही फोन में 6.43 इंचेस के फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाली आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी तो आपको यहाँ पे काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी। बाकी जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज मिलता है, कोई भी हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं मिलता, 60Hz का नॉर्मल सही मिलता है। तो यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस या तो स्क्रीन की जो स्मूथनेस है वो इतनी खास नहीं रहने वाली, एकदम नॉर्मल से ही रहने वाली है। बाकी जो चिपसेट आपको दोनों ही फोन में मीडियाटेक की तरफ से आने वाली हीलो G95 मिल जाती है, जो कि 12 nm पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ये बजट के हिसाब से जो गेमिंग है वो तो आपको यहाँ पे काफी कमाल की देखने मिल जाएगी, और यहाँ पे इसके जो आंतुतु स्कोर है वो आपको यहाँ पे 3.5 लाख के ऊपर मिल जाते हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में ये चिपसेट काफी कमाल की है। बाकी जो OS है वो बेसिकली आपको दोनों ही फोन में एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको बेसिकली बेस्ड है MIUI 12.5 पे। तो यहाँ पे शॉमी को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए था कि यहाँ पे ये रेडमी नोट 11 SE अभी फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट एंड्रॉइड 12 तो देना ही देना चाहिए था। इसके बाद जो यहाँ पे बेसिकली बैटरी का सेटअप है, आपको दोनों ही फोन में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो रेडमी नोट 11 SE है जो कि अभी लॉन्च किया गया है, इसके साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम किया गया है। इसमें जो चार्जर जो है वो आपको इन द बॉक्स में नहीं मिलता है, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो शॉमी वालों मतलब ये एक मतलब बजट फोन है, कोई फ्लैगशिप लेवल वाला तो फोन है नहीं। बाकी यहाँ पे जो इसका प्रीवियस जनरेशन वाला जो फोन है रेडमी नोट 10S, इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इसमें इन द बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आपको दोनों ही फोन में फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि साइड माउंटेड है। बाकी यहाँ पे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, दोनों ही फोन में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट मिल जाता है, 5G दोनों फोन नहीं है, जी हाँ दोस्तों आपको इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी दोनों ही फोन में आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जो स्पीकर का आउटपुट है वो तो आपको इसमें काफी कमाल का मिल जाएगा। सिम ट्रे जो है वो यहाँ पे हाइब्रिड नहीं है, आपको इसमें यहाँ पे 3 स्लॉट मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे डुअल सिम के साथ साथ मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे, तो यहाँ पे भी काम काफी सही किया गया है। इसके बाद जो यहाँ पे बेसिकली कैमराज का जो सेटअप है वो भी यहाँ पे काफी कमाल का है, 64 MP का मेन कैमरा है, 8 8 MP का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, बाकी कुछ छोटू मिल जाते हैं वो यूजलेस होते हैं। बाकी यहाँ पे वीडियो शूट करने का ऑप्शन में आपको 4K तक ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्वालिटी वाइज जो है वो यहाँ पे काफी कमाल का रहने वाला है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो शूट करना है तो आपको 4K का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको क्वालिटी तो काफी कमाल की मिल जाएगी। बाकी जो सेल्फी कैमरा है आपको यहाँ पे दोनों ही फोन में 13 13 MP के मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ फुल HD तक ही खाली वीडियो शूट खाली कर पाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे रैम और रोम की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको LPDDR4S की रैम मिल जाती है, UFS 2.2 की आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाएगी, जो कि काफी फास्ट होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे पूरे वीडियो को समअप किया जाए तो यहाँ पे बेसिकली जो शॉमी जो है Redmi Note 11 SE एक यहाँ पे जस्ट रीब्रांड वर्जन है Redmi Note 10S का, तो यहाँ पे Xiaomi वालों को यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट जो है मतलब Android 12 यहाँ पे देना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बेसिकली वाला फोन चाहिए तो यहाँ पे ये जो अभी जो लॉन्च किया गया Redmi Note 11 SE, ये फोन आप लोग यहाँ पे तभी लीजिएगा जब आपको यहाँ पे अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब Xiaomi के फोन होते हैं उसमें हम लोगों ने यहाँ पे यही देखा है कि यहाँ पे 2 साल के तो अपडेट्स मिल ही जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसकी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो Redmi Note 10S है ये एक यहाँ पे काफी सही डील लेकर के आता है, क्योंकि यहाँ पे इस समय जो इसकी प्राइस रेट है वो यहाँ पे काफी कम हो चुके हैं। इसका लिंक मैंने आपको दे दिया है, चाहे तो आप वहां से यहाँ पे डायरेक्ट की चेकआउट कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑफर भी चलते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे वाला फोन काफी सस्ता मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ बजट की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रेडमी नोट 10S जो कि इसका प्रीवियस वर्जन है इसी की ही तरफ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे योग्य इन्हीं दोनों फोन का कंप्लीट कंपेरिजन रिव्यू, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।